वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में कार्यरत आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारियों की समस्या का अब तक निराकरण नहीं होने से सोमवार को आईटेक के नेता शाम काले के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की प्रलंबित मांगों को लेकर वाड़ी नगर परिषद उप मुख्याधिकारी रत्नमाला फटिंग को ज्ञापन सौंपा मांग की है कि वाड़ी नगर परिषद होकर पांच साल बीत गए लेकिन अब तक आंगनबाड़ियों को नगर पालिका में समाविष्ट नहीं किया गया कई आंगनबाड़ियों की दुर्दशा बनी है आंगनबाड़ियों इमारत निर्माण करें आंगनबाड़ियों में विद्युत दी जाए व बिल का भुगतान नगर पालिका करे अभी आंगनबाड़ी कर्मचारी स्वयं बिल का भुगतान कर रहे हैं खंडर हुई आंगनबाड़ियों को दुरुस्त करे कम्पाउंड वॉल बनाए आंगनबाड़ी के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा साहित्य वितरित करें आंगनबाड़ी के लिए रिकॉर्ड रजिस्टर स्टेशनरी दें बच्चों को ड्रेस कोट आहार के लिए बड़े डिब्बे दें बच्चों के लिए पानी का आरो जाए ऐसे विविध मांगों की आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने नगर परिषद को मांग की है शाम काल ने आंगनबाड़ी महिलाओं की बैठक लेकर समस्या के लिए लड़ने का आह्वान किया इस मौके पर वनिता कापसी अध्यक्षा उषा चार भे विदर्भ राज्य सेक्रेटरी और सचिव नागपुर ग्रामीण नलुमेश राम उपाध्यक्ष बीट नेता स्वाति उके जया उई के वनिता भिवन कर मंगला गजपीए सुचित्रा गणवीर शशि ठोकी अंजलि राउत बेबी जीवने, प्रतिभा वासनिक रत्ना जांगड़े पंशीला ठवरे, सुनीता गणवीर भारती डोईफोड़े सुनीता बोरकर रूपाली वानखेड़े छाया भोसले कविता बोरकर सरिता गवई गिरजा उइके के साथ आंगनवाड़ी कर्मचारी उपस्थित थे वाड़ी से बी न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट